Xiaomi बहुत ही जल्दी यार अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन Redmi K20 Pro इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है। और ऐसे में यार यहाँ पे Xiaomi ने अपने Redmi के बारे में ट्विटर पे एक ट्वीट किया है और साफ साफ एक ब्रांड को मतलब जो है टीज किया है। यहाँ पे आप देखोगे ट्विटर पेज पे जब हम चलते हैं तो लिखा हुआ है सम सेलिब्रेशंस आर शॉर्ट लिव्ड स्टे ट्विन, कहने मतलब है नीचे अगर आप देखोगे तो लिखा हुआ है समबडी जस्ट हैज अनाउंस द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट फोन और रियली अन क्वेश्चन मार्क है, आगे लिखा हुआ है होल्ड माई Antutu बेंचमार्क। कहने का मतलब यार OnePlus 7 अभी जस्ट रिसेंटली ही अनाउंस हुआ था तो यहाँ पे Xiaomi ने साफ साफ OnePlus को ही टीज किया हुआ है कि अगर आप बोल रहे हो कि मेरा ही स्मार्टफोन जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट स्मार्टफोन है तो होल्ड माई Antutu बेंचमार्क, मेरे Antutu बेंचमार्क को देखो, क्योंकि OnePlus 7 से थोड़े से ज़्यादा Antutu बेंचमार्क जो है Xiaomi के Redmi K20 Pro के होने वाले हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है यार जो फोन जो है Xiaomi रिलीज करने वाली है वो थोड़ा सा सही होने वाला है। बट और आज इस वीडियो में आप सब लोगों के ही कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ जो कि आपने ट्विटर पे कमेंट किए हैं, आप सबके ही पर्सपेक्टिव जानते हैं कि यार लोग क्या कह रहे हैं Xiaomi के रिगार्डिंग जिस तरीके से इन्होंने ये पोस्ट डाला हुआ है। तो चलो ट्विटर के कुछ कमेंट्स को हम रीड्स करते हैं। यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहला कमेंट लिखा हुआ है कि यहाँ पे शेख नवाब आरजू ने बोला हुआ है Redmi India someone might have forgotten about ads। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यार यहाँ पे जो है Xiaomi ads के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, अपने फ़ोन में वो एड्स बहुत ज़्यादा दिखाती है। तो होपफुली यार आने वाले अपकमिंग फ़ोन्स में ये लोग एड्स ना दिखाएं या इन्होंने जो है फिक्स कर दिया हो एड्स को, तो ये जो है बहुत ही अनोइंग चीज़ है हम यूज़र्स के लिए, क्योंकि यार हम लोग एड्स पसंद नहीं करते बिल्कुल। Xiaomi नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है Xiaomi लॉन्च Redmi K20 जो है, तो बहुत ही अच्छा कमेंट है। नीचे लिखा हुआ है फ्लैश सेल वन कांट बाय एट, मतलब फ्लैश सेल वन आया तो मैं परचेज नहीं कर पाया, सेकंड आया नहीं कर पाया, थर्ड आया नहीं कर पाया, फोर आया नहीं कर पाया, एंड फाइनली इन अगस्त मतलब जो है Xiaomi अपना K20 Pro जो है जुलाई में लॉन्च करने वाली है। और यहाँ पे ये बात भी सही बोल रहे हैं बिल्कुल, Xiaomi की सबसे बड़ी गलती मेरे को ये लगती है कि यार ये जो फ़ोन है अपना फ्लैश सेल में निकालते हैं, बहुत सारे यूज़र्स नहीं ले पाते। 2016 में मेरे साथ जो है ऐसा ही हुआ था जब Redmi का 3S Prime आया हुआ था, तो मैं जो है बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद लगभग 2-3 महीने वेट करने के बाद जो है मैंने कूलपैड और Note 3 Lite लिया था। तो मुझे लगता है कि सेम अभी भी वही सिनेरियो चल रहा है Xiaomi Redmi में, अभी तक इन्होंने ये चीज़ फिक्स नहीं की है। तो ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्स नहीं है, ये छोटा मोटा कोई कॉन्स नहीं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है फोन्स नहीं लेते हैं। नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ बेंचमार्क व्हेन सॉफ्टवेयर सक्स एंड ऑलवेज लैगी। तो यार यहाँ पे ये बंदे सही बोल रहे हैं कि हाँ क्यों कहीं ना कहीं जो है Xiaomi के मतलब जो Xiaomi का MIUI का सॉफ्टवेयर है वो कहीं ना कहीं बगी ज़रूर होता है, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं जो है मतलब लैक हो जाता है। तो ये चीज़ मेरे को देखने को ज़रूर मिली है। और अभी फिलहाल का आप सभी को पता है यार इंस्टेंस क्या हुआ था Xiaomi के Redmi Note 7 Pro में, मतलब हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया और फाइनली जो है कैमरा का वीडियो आप देख रहे हो किस तरीके से फ्रीज होकर चल रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये लोग जो है यूज़र्स की नहीं सुन रहे थे। OnePlus में क्या होता है यार वो लोग जो है यूज़र्स की मतलब हर चीज़ पे सुनते हैं, चाहे वो कैमरा डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्रोसेसर डिपार्टमेंट हो। तो यहाँ पे Xiaomi मेरे को लगता है लैक कर गई है। नीचे लिखा हुआ है द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन ऑफ ईयर 2K19 में भी हो सकता है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या यार Xiaomi इंडिया Redmi इंडिया ऑल फोन्स आर हैविंग प्रॉब्लम्स, यस भाई होते हैं। बट नीचे बहुत सारे ये लोग भी पूछ रहे हैं कि पोको F2 कहाँ है, तो भाई पोको F2 का भी कुछ अभी पता नहीं है क्योंकि पोको F1 बहुत ही ज़्यादा मस्त फोन निकल करके आया था। यहाँ पे और बोल रहे हैं यू जस्ट कांट ट्रस्ट Xiaomi एंड पोको फॉर क्वालिटी फोन्स, पोको सपोज टू हैव 845 बट इट परफॉर्म लाइक स्नैपड्रैगन 450। तो भाई यहाँ पे अभिषेक ने बोला है कि यार जो पोको का हमें 845 का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है, ये कह रहे हैं कि मेरे को जो प्रोसेसर मिला है पोको में वो 450 के बराबर है। देख रहे हो आप किस तरीके से पबजी जो है ग्लिच होकर चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता यार पोको में इस तरीके की हमें एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रही है। बट यहाँ पे जो अभिषेक ने बोला है मे बी ये सही हो सकता है और बात सही है यार Xiaomi में मैंने ये चीज़ देखी है, जो वो लोग चीज़ प्रोवाइड करते हैं वो यूज़र्स की वहाँ पे नहीं सुनते ज़्यादा। और होपफुली यार Redmi K20 Pro में हमें ये सारी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। एवरीथिंग इज सो अमेजिंग ऑन योर फोन्स बट व्हेन गेट्स वार्मर कैमरा लैग्स एंड वीडियो रिकॉर्डिंग, हाँ ये चीज़ यार Redmi के Note 7 Pro में भी मेरे को देखने को मिली है। तो यहाँ पे होपफुली हमें Redmi के K20 Pro में ना मिले, अगर हुई तो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कैड़ा पिट जाएगा, फ़ोन वो नहीं चलेगा फिर। नीचे और भी देखते हैं MIUI अगेंस्ट ऑक्सीजन OS, तो भाई ये चीज़ मैं जो है होपफुली आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि MIUI कभी भी ऑक्सीजन OS को कम्पीट नहीं कर पाएगा, चाहे वो अगर मैं बात करूँ एंड्रॉयड की, चाहे अगर मैं बात करूँ आने वाले जितने भी रोम्स की। मुझे नहीं लगता यार ऑक्सीजन OS को कोई अभी तक कम्पीट कर पाएगा, बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट जो है अभी तक का हमारा रोम है ऑक्सीजन OS रोम, जो कि OnePlus में ही है। क्योंकि MIUI में हमें बहुत सारे ऐसे ब्लोटवेयर के बल्कि UIs देखने को मिलते हैं बट OnePlus में हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, तो बहुत सही बात है। 95% जो है यूज़र्स प्रेफर करते हैं OnePlus 7, तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। और बहुत सारे कमेंट्स कर रखे हैं यहाँ पे, आई थिंक Redmi K20 is heading to India एंड मतलब जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है एंड बहुत सारी चीज़ें इन्होंने और भी लिखी हुई है TFT। तो बहुत ये भी बोल रहे हैं कि भाई इसमें TFT है, मुझे लगता है इसमें TFT होगा, इसमें सुपर AMOLED या AMOLED में भी हमें देखने को मिल जाएगा।
और बहुत सारी ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहा है, अगर मैं यार एक्सप्लेन करने बैठूँ तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम बन जाएगा। यहाँ पे एक बंदा बोल रहा है कि Redmi 6 Pro एड से परेशान हूँ। भाई ये चीज़ मेरे को बहुत ही बेकार लगी। मैंने बता दिया कि एड्स तो बेसिकली आपको Xiaomi के Redmi मतलब Redmi फ़ोन में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यार साफ बात यही है कि Redmi का K20 Pro जो है वर्सेस चेंज इन एंड्रॉइड फाइन नोट 5 Pro, यही वाली बात है कि यार जो Redmi नोट Redmi का K20 Pro आने वाला है, होपफुली यार ये लोग जो है यूज़र्स की सुने, मे भी उसमें भी बग्स हो सकते हैं, बट यार OnePlus को इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि OnePlus में यार ऑक्सीजन का OS है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ यार वीडियो के थ्रू कि जिस तरीके से उन्होंने एड मतलब ये चीज़ डाली है, तो होपफुली ऐसा ही कुछ करे जब वर्ल्ड फास्टेस्ट स्मार्टफोन है। Antutu बेंचमार्क दिखाने से यार कुछ नहीं होता, नीचे एक यूज़र ने बोला, आप सभी के ही कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। और होपफुली यार वीडियो के थ्रू आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मुझे लगता है कि यार OnePlus 7 को ये जो है क्रॉस टू क्रॉस कम्पीट कर पाएगा ऐसी बात भी नहीं है, बट उस एक्सटेंड तक नहीं कर पाएगा जो कि उसका एक्सीजन OS है एंड MIUI ROM है। तो होपफुली आप सभी को समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना जाकर चैनल को, जिससे आपको डेली ऐसी वीडियोस देखने को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट और एक बेस्ट साइड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और हैव अ नाइस डे।